क्योंकि मेरा विश्वास था कि कॉन्ट्री करने से थोड़ा थोड़ा एफर्ट मिलाकर हम एक चेंज ला सकते हैं. वो हकीकत में बदलने लगा कि जो भी आप बात कर रहे हैं ना उसका 1% एक्ट कीजिए. आप एक्ट करेंगे आप आगे बढ़ेंगे. राइट सही है कि लेफ्ट सही है, गांधी सही है कि अम्बेडकर सही है, अपर सही है कि लोअर सही है, आर्मी चाहिए कि नहीं चाहिए. मैं फेसबुक पे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ JNU कांड के बाद एक तरफ लोग कह रहे हैं कि अच्छा किया पुलिस ने, एक तरफ स्टूडेंट कम्युनिटी कह रही है कि फ्रीडम ऑफ वॉइस होनी चाहिए. चल क्या रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था. नमस्ते दोस्तों, मैं अपनी पूरी लाइफ में आप ही की तरह एक रेगुलर स्टूडेंट रहा हूँ. मैंने भी 4 साल इंजीनियरिंग की है, मैं पास में GIT से ही. और जब मैं GIT में पहले दिन गया और पहले हफ्ते जब मैंने कंप्यूटर लैब में टाइम स्पेंड किया, मैं मैनेजमेंट कोटा से था, मैं क्वालिफाइड ही नहीं था उस काम के लिए जो मैं वहाँ करने गया. और एक हफ्ते में मुझे समझ में आ गया कि मुझसे कोडिंग नहीं होगी, तो मैं क्या करने वाला अगले 4 साल. मेरे पास बहुत टाइम था पर मैं वो टाइम वेस्ट नहीं कर सकता था. अगर मैं हॉस्टलर होता तो एटलीस्ट मैं काउंटर स्ट्राइक चैंपियन जरूर बन जाता, पर मैं जयपुर का रहने वाला था, मुझे शाम को घर जाना होता था. तो मैंने किया BTech इन हॉलीवुड. मैंने हॉलीवुड की बहुत सारी मूवी देखी, मैंने बहुत सारी दुनिया को देखा उस हॉलीवुड के नज़रिए से. एक अच्छी चीज़ हो गई, मेरी इंग्लिश अच्छी हो गई. लेकिन एक और चीज़ जो मेरे साथ हुई उस पूरे वक्त, मैं स्पोर्ट्स को फॉलो करता था. मैं पिछले 12 सालों से राफेल नडाल जो टेनिस प्लेयर है उसका आर्डेंट फैन हूँ. और उससे बहुत पहले से मेरे अंदर स्पोर्ट्स का जीन है. मेरे फादर 1983 के लॉर्ड के मैच को ट्रांजिस्टर पर सुन रहे थे, उसके बाद से घर में स्पोर्ट्स का माहौल था. ऐसा नहीं है कि मेरे फादर स्पोर्ट्स पर्सन है या मैंने कभी स्पोर्ट्स खेला है. स्टेट या डिस्ट्रिक्ट छोड़िए, मैंने कभी स्कूल लेवल पे भी नहीं खेला है, लेकिन फिर भी मैं खुद को स्पोर्ट्स पर्सन मानता था. हमारे साथ आज बजरंग जी है. जब मुझे पता चला ये आ रहे हैं मैं एक अलग लेवल पर एक्साइटेड था. आप लोगों ने मिल्खा सिंह देखी है, आप जानते हैं मिल्खा सिंह क्या है. हमारे साथ बजरंग जी भी उसी तरह एशियन गोल्ड मेडलिस्ट है. इस चीज़ का जो एक लेवल होता है उसको समझने में टाइम लगेगा, इस देश को टाइम लगेगा. आपको पता है जिस देश का एक प्लेयर गोल्ड जीतता है, जो पोडियम पे खड़ा होता है, उसी देश का नेशनल एंथम बजता है. और ओलंपिक्स के अंदर भारत का नेशनल एंथम बजवाना या एशियन गेम्स में किसी भी इंटरनेशनल जगह पे वो नेशनल एंथम बजवाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है जब झंडा ऊपर उठता है. मैंने अपने जीवन में ऐसे कई मोमेंट बहुत करीब से देखे हैं क्योंकि मैं TV को बहुत पास से देखता था और मैंने ऐसे बहुत मोमेंट देखे. तो मुझे इन 4 साल में ये समझ में तो आ गया कि कुछ तो अच्छा करना है. इंजीनियरिंग नहीं होगी कोई बात नहीं, तो अब अच्छा क्या होता है, इंजीनियरिंग से बड़ा क्या होता है, UPSC IAS बन जाते हैं. एक तो लाल बत्ती गाड़ी मिलेगी, परिवार खुश हो जाएगा और देश के लिए कुछ अच्छा कर लेंगे. तो ये जर्नी शुरू हुई, मैं दिल्ली चला गया. अब इस जर्नी में ना बहुत मज़ा आया. अंजाम ऑल तो अच्छा नहीं हुआ, मैंने 2 अटैम्प्ट दिए, एक भी क्लियर नहीं हुआ, प्री भी क्लियर नहीं हुआ. लेकिन इस जर्नी में मैंने इस देश की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन सब पढ़ डाला और एक प्रॉब्लम हो गई. मेरे पास बहुत सारा ज्ञान आ गया. अब ज्ञान के साथ समस्या क्या होती है, आप ज्ञान बांटने लगते हो, आप ज्ञान थोपने लगते हो. मेरे पास हर चीज़ को लेकर ओपिनियन था. मैं इस देश की सारी समस्या सुलझा सकता था और मैं थड़ी पे बैठा बैठा हर चीज़ पे डिबेट भी कर सकता था. तो मैं डिबेट करने लगा. आप जो बात बोलेंगे, मेरे पास ओपिनियन था. रिजल्ट आया, मैं क्लियर नहीं हुआ. बट इस पूरे प्रोसेस में कहीं एक अच्छी चीज़ हो गई कि मैं TISS टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई में सेलेक्ट हो गया. अब मैं जब वहाँ जाता हूँ, जो कि इंजीनियरिंग से 180 डिग्री अपार्ट सोशल साइंसेज है, वहाँ जाके देखता हूँ कि भाई एक और इंडिया एग्जिस्ट करता है. हमें तो यहाँ बताया ही नहीं था. मैं तो यहाँ गांधी जी को पूछ रहा था, अम्बेडकर भी कोई चीज़ है. मैं अपर कास्ट हूँ, मेरे को लगता था मेरी दुनिया बड़ी अच्छी है. वहाँ एक पूरी दलित कम्युनिटी है जो परेशान है. आप में से कुछ लोगों को यकीन नहीं होगा कि इस कंट्री में अभी भी एक ऐसी पूरी एक लॉबी है जो आर्मी के अगेंस्ट है. वो आफ्सपा नामक एक एक्ट से परेशान है. आप लोग एंटी नेशनल का टैग बहुत जल्दी लगा सकते हैं, लेकिन उनकी भी बात सही है. शायद आर्मी की भी ज़रूरत है. मैं ओपिनियन लेस हो गया, मैं कन्फ्यूज हो गया कि चल क्या रहा है. राइट सही है कि लेफ्ट सही है, गांधी सही है कि अम्बेडकर सही है, अपर सही है कि लोअर सही है, आर्मी चाहिए कि नहीं चाहिए. मैं फेसबुक पे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ JNU कांड के बाद एक तरफ लोग कह रहे हैं कि अच्छा किया पुलिस ने, एक तरफ स्टूडेंट कम्युनिटी कह रही है कि फ्रीडम ऑफ वॉइस होनी चाहिए. चल क्या रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था. जहाँ मैं कुछ साल पहले तक बहुत ओपिनियन रखता था, मैं ओपिनियन लेस था. तो मुझे लगा कि कॉन्ट्री होना चाहिए. अभी सर ने बोला कि 200 रुपये मिला के कॉन्ट्री करके हमने कुछ स्टार्ट किया, तो वही कॉन्ट्री हमने भी सोचा कि शुरू करें.
टेस्ट से पास आउट हो रहा था, कंट्री का आइडिया जबरदस्त था, लेकिन जॉब उससे भी ज़्यादा जबरदस्त थी। बढ़िया अच्छा पैकेज लगा, मैं नेशनल स्किल मिशन का जोनल मैनेजर बन गया। अब जोनल मैनेजर होते हैं HPCL के, SBI के, बड़ा बड़ा एरिया संभालते हैं। मैं 25 साल की उम्र में 40 लोगों के ऊपर जोनल मैनेजर हूँ, जो सबके सब मुझसे उम्र में बड़े हैं। मुझे लगा मैं ही अपनी देश का, अपनी टीम का धोनी हूँ और मेरे ऊपर सचिन, सहवाग, कुंबले सब हैं और मुझे उन्हें लीड करना है। तो ठीक है, फिर से मैं क्वालिफाइड नहीं था एक ऐसी चीज़ के लिए जिसमें मैं पहुँच चुका था। एक साल ईमानदारी से काम किया, सोचा कि अपना बेस्ट देते हैं, उनसे सीखा जो मेरे अंडर काम कर रहे थे। पर एक साल बाद उस जॉब को छोड़ दिया, क्योंकि समझ में आ गया था कि जो बड़ी अच्छी डिग्री मैं लेकर आया हूँ और जो एक ब्रांडेड कॉलेज से मैं आ गया हूँ, जिसके कारण मुझे ये अच्छा 8 लाख का पैकेज मिल गया है, ये मेरी सच्चाई नहीं है। तो मैं उतर गया ज़मीन पे उसी कंट्री के आइडिया के लिए जो मैंने टेस्ट में सोचा था। अब एंटरप्रेन्योरशिप, जिसके अराउंड ये पूरा हमने सिस्टम आज रखा है यहाँ पे, ये बहुत फैंसी वर्ड होता है एंटरप्रेन्योरशिप। और इस एज में आप इस फैंसी वर्ड के लिए, यहाँ पर हमें किसी ने बताया कि 3 चीज़ों के लिए लोग एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। मेरे पास ऐसा कोई आइडिया नहीं था, मैं स्टार्टअप वैसे जाना ही नहीं चाहता था, मैं चाहता ही नहीं था कि ऐसी कोई चीज़ है, बस मुझे था कि मेरे पास एक आइडिया है, मुझे ज़मीन पर उसको करके देखना है। तो मैं उतरा, मुझे कुछ 5-6 साल पहले कलाम साहब आए मेरे पास और एक चीज़ बोले कि रोहित, बहुत सिंपल फार्मूला बता रहा हूँ सक्सेस का, 100% सक्सेस है, 4 स्टेप है उसमें। पहला है एम है, मैंने कहा ठीक है। सेकंड है राइट नॉलेज, तीसरा है हार्डवर्क, और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट परसिवियरेंस। ये वर्ड भी समझ में नहीं आया था जब उन्होंने मुझे बोला, और दो दिन बाद डिक्शनरी में देखा मैंने। अब जब मैं कंट्री की शुरुआत कर रहा हूँ तो मैं देखता हूँ अपना एम तो बहुत है ही है, मतलब मेरा एम है, मेरी विजन है कि इस देश की सारी लोकल समस्याएं लोकल लेवल पे सुलझ जाए। तो एम तो अपना बहुत है ही है, टिक। नॉलेज का क्या, क्या मेरे पास राइट नॉलेज है? मेरे पास डिग्री है लेकिन क्या मेरे पास राइट नॉलेज है? वहाँ एक साल बीत गया, 2016 पूरा ख़त्म हो गया, मुझे हवा तक नहीं लगी कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं इधर उधर भटक रहा हूँ। मैंने रैंडमली 10 इवेंट करवा दिए ग्राउंड पे, और फॉर दैट मैटर मैं 4 महीने अपने एक दोस्त के साथ आउटर जयपुर में पुट्टियाँ बेच रहा हूँ, वॉल पुट्टी। अब आप इस तरह से देखिए, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, 75 साल पुराना एक इंस्टीट्यूशन, वहाँ से मैं पोस्ट ग्रेजुएट, रेगुलेटरी गवर्नेंस में एक ऐसा प्रोग्राम जो शायद आप समझे भी नहीं कि क्या होता है, उसके अपने जोनल मैनेजर 40 लोगों के ऊपर, वो अगले साल सड़कों पे पुट्टियाँ बेच रहा है, ये कैसा काम है? मेरे फादर ने अप्रूव नहीं किया, मेरे दोस्तों ने भी अप्रूव नहीं किया, लेकिन मैं आपको जो बता सकता हूँ एक सच्चाई, वही 4 महीने मेरी लाइफ के अभी तक के सबसे लर्निंग 4 महीने थे, जब मैंने ये सीखा, जैसे अभी अभिषेक ने बताया कि पैसे कैसे देते हैं। आपको लगता होगा पैसे देना काउंटर पे आसान है, मुझे समझ में आया चालान कैसे काटते हैं, इनवॉइस क्या चीज़ होती है, बहुत छोटी छोटी बेसिक चीज़ें उन 4 महीनों में समझ में आई। ठीक है, एक साल तक मैं हाथ पांव मार रहा था, भगवान ने भी सोचा कि लड़का मेहनत कर रहा है, इसका जो परसिवियरेंस वाला जो पॉइंट है, 4th पॉइंट, वो भी टिक है, तो इसकी मदद कर देते हैं। तो बस मैं हाथ पांव मार रहा था, पिक्चर्स में आपने सुना ही है कि आप हाथ पांव मारते रहेंगे तो कहीं ना कहीं बल्ब जलेगा, बल्ब अभी भी नहीं जला। पर दो दोस्त आए मेरे साथ और उन्होंने मेरी इस जर्नी में मुझे ज्वाइन किया, अगले कई महीने तक बिना रुपए लिए वो भी मेरी इस परस्यूट में ज्वाइन किए रहे। और फाइनली पिछले साल 1 अक्टूबर 2017 को हमने रंग दे जयपुर कैंपेन लॉन्च किया। इस कैंपेन में पहली बार हमारा बल्ब जला जब हमने सिंधी कैंप मेट्रो स्टेशन के नीचे, जो मेट्रो ने बहुत मलबा छोड़ दिया था, उस मलबे को हम कुछ 20-30 लोगों ने अगले 8 दिन तक अपने हाथों से निकाला। अब 8 दिन तक पूरा सिंधी कैंप, जयपुर और बाहर के लोग देख रहे हैं कि ये क्या तमाशा है। अच्छे खासे खानदान से आने वाले लोग, पढ़े लिखे लोग, लड़के लड़कियां, बूढ़े बूढ़े सब हाथ से कीचड़ निकाल रहे हैं, मलबा निकाल रहे हैं। उसके बाद हमने वहाँ मिट्टी डाली, पौधे लगाए, पिलर्स पे पेंट किया, आर्ट वर्क किया। वो 8 दिन थे और उस 8 दिन से आज के दिन के अंदर हमने इस शहर के अंदर कम से कम 60 से ज़्यादा अलग अलग एरियाज़ को क्लीन एंड पेंट किया है। या अगर मैं आंकड़ों में बताऊं तो हमने 2 लाख स्क्वायर फीट पर एरिया चेंज किया है। और जैसा सर बोल रहे थे, यहाँ पे जयपुर की रैंक 215 थी पहले, अब जयपुर की रैंक 39th है। एक चीज़ जो इसमें सबसे अच्छी हुई, इसमें कोई पेड लेबर नहीं थी। ये जो 4000 लोग जिन्होंने हमारे साथ इस एक साल में काम किया, ये सारे लोग आप ही की तरह जयपुर के लोग थे। कुछ मेरा विश्वास था कि कॉन्ट्री करने से थोड़ा थोड़ा एफर्ट मिलाकर हम एक चेंज ला सकते हैं।
वो हकीकत में बदलने लगा। तो आज उस जर्नी में हम अभी भी चल रहे हैं, अभी भी नहीं पता कि क्या मेरे पास राइट नॉलेज है, तो मैं अभी भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जो यहाँ पर मैं एक पॉइंट आपके सामने रखूँगा, जो मंत्रा ऑफ माई लाइफ कह सकते हैं, ऐसा क्या था जिसने मुझे मेरी पुरानी फेलियर्स के बावजूद पॉजिटिव रखा? एक वर्ड में मैं कहूँगा, वो है स्पोर्ट्स पर्सन स्पिरिट। क्या होती है स्पोर्ट्स पर्सन स्पिरिट? तो अगर इसमें डिफाइन करना चाहूँ तो ये एक सेट ऑफ पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं जो आपको अपने से बेहतर बनाने की कोशिश करती है। मैं तीन क्वालिटीज़ का रेफरेंस लूँगा यहाँ पे। टीम वर्क, आप वेल कनेक्ट कर सकते हैं, आज हमारे बीच में एक आर्मी मैन है। आपको पता है इस वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट टीम है इंडियन आर्मी। टीम सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं होती, टीम हर चीज़ में हो सकती है, इस इंस्टीट्यूशन में, इस ऑर्गेनाइजेशन में, किसी में भी। उत्तराखंड की जब फ्लड आई थी तब इंडियन आर्मी को बुलाया गया था और उन्होंने किस लाजवाब तरीके से लाखों जान बचाई थी। हमारी कंट्री का डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन इंडियन आर्मी एज अ सिंक्रोनाइज टीम तैयार थी। इसी तरह से मेंटल स्ट्रेंथ, सर ने उसका जिक्र किया था, मेंटल स्ट्रेंथ। आप सोचते होंगे स्पोर्ट्स का मतलब स्पोर्ट्स शूज पहनिए, फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। लूडो भी एक स्पोर्ट्स है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी होती है। किसी भी स्पोर्ट्स में जो बॉटम लाइन होती है वो होती है मेंटल स्ट्रेंथ। याद कीजिए 2007 साउथ अफ्रीका फाइनल ओवर, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, सामने मिसबाह उल हक, विकेट के पीछे महेंद्र सिंह धोनी, आखिरी ओवर 13 रन। कौन करेगा आखिरी ओवर? हम सोच सकते हैं टीम में बहुत बड़े सीनियर बॉलर थे, पर एक बॉलर आता है जोगिंदर शर्मा, कोई हिस्ट्री नहीं है, आप उसे जानते भी नहीं है, पर धोनी की मेंटल स्ट्रेंथ इतनी थी कि उसने कॉन्फिडेंस से अपनी टीम पे भरोसा करते हुए उसे बॉल थमा दी। आपको पता है स्टेडियम में 30,000 लोग थे और टीवी पे 2-4-5-10 करोड़ लोग थे। कभी इमेजिन कीजिए वहाँ खड़ा होना कितना प्रेशर होता है और वो डिसीजन लेना कितना प्रेशर होता है। 10 मिनट तक गेम रुका रहा था, धोनी ने कॉन्फिडेंस से वो बॉल दी और इतिहास आपके सामने है, हम वो मैच जीते थे। मेंटल स्ट्रेंथ। और एक चीज़ और, अनकंडीशनल हार्डवर्क क्या होता है? उसेन बोल्ट का नाम आप सबने सुना है। उसेन बोल्ट ने कम से कम 12 साल से ज़्यादा लंबा उनका करियर है और वो वर्ल्ड क्लास एथलीट है, तो समझ सकते हैं कि उन्होंने कितना हार्डवर्क किया होगा। आप बजरंग जी से बात कीजिएगा, कितना हार्डवर्क करना पड़ता है तब जाके आप क्वालिफाई करते हैं। वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, 3 ओलंपिक्स में लगातार 3 बार गोल्ड जीत के टोटल 9 गोल्ड जीते उन्होंने। 12 साल उन्होंने मेहनत की। आपको पता उनको परफॉर्मेंस के लिए टोटल कितना टाइम मिला? उनकी सारी उन रेसिस का जो टाइम उसे जोड़ दें तो वो लेस देन 3 मिनट है। आप अपने जीवन के 12 साल देते हैं सिर्फ 3 मिनट के लिए। आप समझ सकते हैं स्पोर्ट्स आपको कहाँ ले जा सकता है। और स्पोर्ट्स में जब आप हार्डवर्क देते हैं, ये स्पिरिट से करते हैं, तो आपकी जो करंट समस्याएं हैं, जो भी आपकी समस्याएं हैं, वो बहुत छोटी समस्याएं हैं। तो बस इन्हीं सारी स्पिरिट्स के साथ मैं अपने आप को पॉजिटिव रखता रहा, जो भी मेरे चैलेंजेस आए वो मैं करता रहा। अब मैं आप लोगों को ऐसा क्या बताऊं जिससे एक मैसेज हो, आप इग्नाइट हो जाएं। तो हम एक चीज़ बोलते हैं टीम कॉन्ट्री के अंदर, अवेयरनेस इज़ गुड, एक्शन इज़ बेटर। आप सब अवेयर हैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे, इस प्लेटफॉर्म पे आज बहुत सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ की बात की गई है। नेवर क्विट, बी डिटरमाइंड, कॉन्फिडेंस, ऐसा नहीं अपनी बातें पहले नहीं सुनी है, आप सब जानते हैं। आप इस देश की सारी सोशल समस्याएं जानते हैं, आप सिगरेट के नुकसान जानते हैं, आप सब जानते हैं, यू ऑल आर अवेयर। बट हम थड़ी पे बहुत सारी बातें करते हैं, 4 दोस्त मिलके प्लान बनाते हैं, स्टार्टअप चलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ कर देंगे। अभिषेक ने बहुत सही बात बोली कि कुछ करना था तो फिर कुछ मस्ती को भी कम करना पड़ा, आगे बढ़ना था। मैं एक चीज़ जो आपको दे सकता हूँ जिससे मैं कंक्लूड करूँगा, वो ये है कि जो भी आप बात कर रहे हैं ना, उसका 1% एक्ट कीजिए। आप एक्ट करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही और वीडियो सुनने के लिए इग्नाइट टॉक्स का चैनल सब्सक्राइब करें एवं साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि सबसे पहले ये वीडियो आप तक पहुँचे।